दोस्तों में जेपी बाकर आज हम यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग है उनका अध्ययन करेंगे और ये आपके दो जगह काम आने वाले हैं एक तो आपके रीजनिंग के अंदर काम आएंगे दूसरे आपके जनरल साइंस के जहाँ क्वेश्चन आते हैं वहां पे काम आएंगे तो सब कैसे रीजनिंग में कैसे काम आएंगे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है तो एरोमीटर का संबंध किससे होगा ये इसका मतलब आपका क्या हो गया एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया पे आप एरोमीटर का वायु और गैस का भार व घनत्व कुछ भी आएगा तो वहां पे आप लिखोगे जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया का संबंध विद्युत धारा से है तो ऑडियोमीटर का संबंध किससे होगा तो अब आपको क्या करना है ध्वनि तीव्रता वहां पे करना है तो इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए आज पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पे हमने लिए हैं तो सबसे पहले सिस्मोग्राफ भूकंप के मापन में आता है काम एरोमीटर वायु एवं गैस का भार व घनत्व के लिए काम में लिया जाता है इसके अलावा एनिमोमीटर है वो वायु के मापन में किया जाता है अमीटर विद्युत धारा के मापन में काम में लिया जाता है ओडियोमीटर ध्वनि तीव्रता के मापन में काम में लिया जाता है बेरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए काम में लिया जाता है एल्टी ऊंचाई के लिए किस्मोग्राफ पादप वृद्धि के लिए कैलोरीमीटर मीटर की मात्रा के मापन में काम में लिया जाता है इलेक्ट्रोमीटर विवांतर में लिया जाता है फेदोमीटर समुन्द्र की गहराई मापने में गेलविनो विद्युत धारा की प्रबलता हाइड्रोमीटर दर्वों का विशिष्ट घनत्व हाइग्रोमीटर वायु की आंद्रता मापने में देख लीजिए आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में तो हाइड्रो हाइड्रो जहाँ पर भी आप हाइड्रो लग जाता है वहाँ पे मतलब पानी से समझ लीजिए पानी क्या होता है एक दरवे होता है तो दरवे से आप ऐसे याद रख लीजिएगा जहाँ पर भी हाइड्रो आता है इसका मतलब वहाँ पे पानी या दरवे का मापन से कोई संबंधित है तो हाइ हाइग्रो हाइग्रो हो गया यहाँ पे वायु तो वायु की आंद्रता मापन में है लेक्टोमीटर लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन थर्मामीटर सभी को पता होगा तापमान के मापन में सेपगमोमीटर रक्तचाप के लिए और पलेनीमीटर यह है समतल सतह का क्षेत्रफल नापने में सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच कोण कि दूर, दूरी दूरी ज्ञात करने के लिए वर्नियर पैमाने के छोटे उपभाग और वोल्टमीटर है विभवांतर या विभव में का विभव में अंतर मापने में और मेमोमीटर है मेनोमीटर गैस का घनत्व के मापन में काम में लिया जाता है ये मेरी तरफ से कुछ बताने प्रयास किया गया था आपके जो आपके हाल ही में राजस्थान पुलिस रेलवे के लिए आ सकते हैं चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन बन के आए चाहे ऐसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए साथ में कमेंट के द्वारा बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो पास में जो घंटे का आइकन है वो दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसके अलावा दोस्तों ये जो आप नोट्स है आप हमारी वेबसाइट जे भाकर डॉट कॉम से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है वहाँ से आप जाइएगा इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा